देश भर में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पंजाब सरकार एवं केंद्रीय मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार डीसी व भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन की अगुवाई में 70 साल पुराने ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस प्लांट के चालू हो जाने से यह प्लांट पंजाब के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आपको बता दें कि यह प्लांट डिमांड ना होने के कारण तकरीबन 2010-11 में बंद हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्लांट जिस समय बंद हुआ था तब 120 सिलेंडर प्रतिदिन की उत्पादन की क्षमता थी, लेकिन अब दोबारा शुरू होने पर यह 100 सिलेंडर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता रखता है एवं कुछ ही दिनों में इस प्लांट को हरी झंडी मिलने वाली है। आइए देखते हैं सुपर न्यूज 24/7 से ब्यूरो रिपोर्ट। सर पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिएगा। डिप्टी जी ने बाहर बैठा काम एस सी एम सी चार्ज मेरे पास ही इनके सर। ये जो पंजाब सरकार की तरफ से जो बंद पड़ा हुआ जो ऑक्सीजन प्लांट अब चालू किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बीबीएमबी में ऑक्सीजन का प्लांट 1952 से है, 54 में लगा था बीबीएमबी के अंदर, और इसके लिए हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मंत्री जी का और स्टेट गवर्नमेंट का हमारे चेयरमैन साहब का काफ़ी प्रेशर आया हुआ है इसको दोबारा से रिव्यू करो, क्योंकि आज से 10 साल पहले बंद हो चुका था कुछ टेक्निकल कारणों से और कुछ इसकी कम हो। ये सर बंद किस वजह से हुआ था, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बंद करना पड़ा था? इसका चलाने का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और बाहर मटेरियल सस्ता मिल रहा। ठीक है, दूसरा ये बताइएगा कि अब जैसे हम दोबारा से चालू करने की आप स्टार्टिंग हो रही है तो इसमें क्या क्या आपको फेस आउट करनी पड़ रही है जो प्रॉब्लम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है अब काफ़ी अब्सोल्यूट हो चुकी है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लांट आ चुके जो नए हैं और इसको इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है कि बाहर का बना हुआ यूएस में और इस टाइप का प्लांट के ऑफिस सिर्फ बॉम्बे या पुणे में है, आसपास लोकल कोई ऑफिस नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहब जो एमओपी के हैं उनसे भी लिंक कर रहे हैं रात के, अगर उनके हेड ऑफिस से कोई बंदा इसको बीच में हेल्प कर दे तो टेक्नोलॉजी चेंज करके एक अच्छी एफिशिएंसी आ सके। कंपोज साहब जब 10 साल पहले ये बंद हुआ था तो उस समय के कारीगर जो इसको चलाया करते थे तो क्या अब वही उसके रिस्टार्ट करेंगे या इसके लिए नई कोई आप वो करने जा रहे हैं? इसके जो उस टाइम लास्ट में इसके फोरमैन थे या उसके एक दो साल बाद रिटायर हो, फोरमैन खुद भी लग लिया अपने आप ही बैठे हुए हैं, सुनील कुमार अपने आप ही आ रहे हैं, अभी देश सेवा में शामिल होना चाहते हैं, जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा हम इसको चलाना चाहते हैं। तो जिस समय बंद किया गया था 2010 की बात 2011 की बात कर रहे हैं तो उस समय कितनी प्रोडक्शन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की या ऑक्सीजन की हुआ करती थी? उस टाइम 50% पे काम कर रहा था, 100 सिलेंडर की बजाय 50 सिलेंडर। ओके, तो अब प्रोडक्शन जो होगी स्टार्टिंग में पहले हफ्ते या हम बात करें पहले 10 दिन की तो कितनी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं? बाद ही डिसाइड बता सकें क्योंकि बंद हुए 10-11 साल हो गए, कितना रिजल्ट आता है 20 आते हैं 25 आते हैं, पर जो भी आएगा हम चलाएंगे ताकि जितना भी मिनिमम हेल्प हो। कितना समय लग जाएगा इसको चलाने में? इसको एक पिछले 10-12 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं और आज शायद आज या कल इसको रिस्टार्ट कर, क्योंकि अब तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गैस सिलेंडरों की। उसी के मद्देनजर रखते हुए तभी इसको आज चलाने की हमारी कोशिश पूरी पूरी है, हो सके शाम तक कुछ ना कुछ चलेगा। तो जब ये अपना ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा तो पंजाब में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति रहेगी कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे? नहीं, लोकल पूरे पंजाब में तो हम नहीं कह सकते, पर पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन भी जोर लगा रहा है, डीसी मैडम भी हेल्प कर रही है, अगर कोई एक्सपर्ट चाहिए तो मैं भी जुमाऊँ, मंत्री जी आगे लोकल वो भी जोर लगा रहे हैं, राणा जी के पी राणा जी और इनके जो सचिवालय से सीएम के अंडर जो स्टाफ है वहाँ सेक्रेटरी वो भी ट्राई कर रहा है इसके लिए, डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर साहब भी ट्राई कर रहे हैं, कोई भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हम इसमें। जैसे अभी आपने बताया कि 10 दिन से कवायद चल रही है इसको चालू करने की, तो इसको रिस्टार्ट करने पे कितना खर्चा आ गया होगा? नहीं, अभी तक हमने इस पर कोई एक पैसा भी नहीं खर्चा किया, अपने डिपार्टमेंट की टीम जैसे पहले इलेक्ट्रिकल चेक करा, फिर उसकी फिटिंग चेक करी, फिर उसकी वाटर सप्लाई सिस्टम, फिर उसका गैस का यूनिट, उसका कंप्रेसर, वन डे जो हो जाती है ऐसे वन बाय वन करके आज हम से पहुँच चुके उससे। यानी कि अगर हम कहें कि पंजाब के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट एक वरदान साबित हो सकता है? बिल्कुल वरदान, अगर 20
सिलेंडर हम डेली ऐड करें कम से कम 2-3 हॉस्पिटल।